सरवार शरीफ में धार्मिक रस्मों को अदा करने के नाम पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए लोग, मामला दर्ज। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के चलते एक ओर जहां प्रशासन आमजन के लिए राशन तक की व्यवस्था कर रहा, लेकिन आमजन धार्मिक भावनाओं के नाम पर एकजुट होने से नहीं कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीती देर रात सरवाड़ शरीफ में लोगों धार्मिक रस्मों को अदा करने के नाम पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो गए, जिसकी सूचना सरवाड़ पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को डंडे मारकर वहां से खदेड़ दिया। अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के अनुसार सरवाड़ शरीफ में धार्मिक रस्मों को अदा करने के लिए मात्र 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन सरवाड़ की दरगाह में सैकड़ों की संख्या में लोग दीवार कूद कर घुस गए, जिसकी सूचना दरगाह के मौलवियों व सदस्यों ने पुलिस को नहीं दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों को डंडे मारकर खदेड़ा। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के अनुसार करीब 30 से 35 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही सरवाड़ शरीफ के मौलवी सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं एसपी ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की ओर से? कितने जने को हिरासत में लिए गए? देखिए, मैं ब्रीफ कर देता हूं पहले तो घटना क्या है। एक्चुअली मैं सरवाड़ में हर साल एक वार्षिक उर्स होता है, जिसमें कि अजमेर से चादर जाती है और वहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार वो उर्स बंद करा दिया गया था और किसी भी तरह की कोई भी पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं की गई थी और कोई आया भी नहीं वहाँ पर हमने, क्योंकि पूरा लॉकडाउन किया हुआ था। जिस दिन ये चादर चढ़ाने की रस्म होती है, रात में गुसल होता है, उसके लिए प्रशासन से उन्होंने परमिशन ली कि साहब 5 लोग चादर लेकर के जाएंगे और 5 लोग वहाँ के जो रस्म करते हैं, वहीं के लोग, आम आदमी नहीं, मौलवी हो गए, इमाम हो गए, वो लोग रस्म करवा देंगे। यानी कि टोटल लगभग 10 लोग मिलकर के उस रस्म को पूरा करा देंगे। तो जो वार्षिक रूप से एक रस्म होती है, हमारी उस रस्म में बाधा नहीं आएगी और जनता को हम बुला नहीं रहे, जैसा कि नियम में भी यही है कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं होगी। इस बात की परमिशन के बाद भी उन्होंने अपना प्रोग्राम जो शुरू किया, उसमें उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि जनता जो है वो बाउंड्रीज से कूद करके अंदर चली गई और लगभग 70-80 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, ना ही उन लोगों को वहाँ से हटाने या भगाने का कोई प्रयास किया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने थोड़ा सख्ती करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया। उनमें से लगभग 30-35 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, जिनका कि नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। 6 लोगों को कल हम गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारी गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से बहुत ही गंभीर वायलेशन है कि आप जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना नहीं करते। यदि आपकी आंखों के सामने वायलेशन हो रहा है तो आप पुलिस को समय पर इन्फॉर्म नहीं करते और आप उस वायलेशन को धार्मिक गतिविधि के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें हमने उन इमाम, मौलवी और मुलतवी सभी का नाम FIR में रखा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से उनके द्वारा एक गंभीर वायलेशन किया गया है। इस समय हम इस तरह का कोई भी वायलेशन एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। कहीं पर भी ऐसा कोई वायलेशन होगा तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, दरगाह में भी एक वीडियो, दरगाह परिसर जो है लगभग 16-17 बीघा में फैला हुआ परिसर है, उसमें एक पॉइंट पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं हों, ये निर्देश उन्हें दिए गए हैं। पूरा दरगाह बहुत बड़ा है, वहाँ दरगाह के अंदर ही 3 मस्जिदें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पर ऐसे अलग अलग जगह पर हैं। उसमें ये उन्हें बताया गया है कि एक जगह पर कोई भी, एक तो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, खादिमों की भीड़ भी नहीं होगी। खादिमों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि एक समय में वहाँ पर एक पॉइंट पर 3-4 से ज़्यादा खादिम नहीं रहेंगे, और वो भी कौन खादिम जा रहा है उसकी जानकारी वो एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करेंगे। अब ऐसा कोई वीडियो मेरे सामने अभी तक नहीं आया जहाँ पर कोई गैदरिंग हुई हो। दरगाह के अंदर कोई गैदरिंग नहीं हो रही, केवल एक गेट खुला हुआ है, 11 गेट में से एक गेट खुला हुआ है, जिससे कि रिस्ट्रिक्टेड रूप में खादिम या फिर जो दरगाह के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अंदर जाते हैं और जो अलग अलग उनके अलग अलग वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उस एक्टिविटी को वो करते हैं, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होती। फिर भी यदि ऐसा कोई बात जानकारी में आती है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय ऐसी कोई भी वायलेशन जो है एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हर तरह का वायलेशन, उस पर कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होंगे और जो गिरफ्तारियां बनती होंगी वो गिरफ्तारी।